हाँ जी, सत श्री अकाल प्यारे बच्चों। अज की वीडियो दे विच आपां गल करांगे क्लास 10th की मैथमैटिक्स की जो असाइनमेंट आ रही है पंजाब स्कूल सिक्ख्या विभाग वालों। पहली असाइनमेंट दे पहला आपां आंसर करन जा रहे हैं। ये असाइनमेंट है जिहड़ी तुहाडी लर्निंग आउटकम बेस्ड वर्कशीट है फॉर नैस टैसट। नैस टैसट मीनस नैशनल अचीवमेंट सर्वे टैसट। ठीक है, तो ये देखांगे किहड़े किहड़े क्वेश्चन का किहड़ा आंसर सही बनता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 1 ते आओ। देखते हैं हेठ लिखे विचों केड़ी अप्रमेय संख्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरैशनल नंबर। नाल नाल आपां नूं हिंट भी दिंदे हुंदे आ। इरैशनल नंबर नूं आपां पी वटा क्यू दी फॉर्म दे विच नहीं लिख सकते जी। ठीक है, तो इस दे अकॉर्डिंग आंसर अपना बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ये अपना इरैशनल नंबर है क्योंकि ए तो आंसर बनेगा 2 क्योंकि रूट 3 कैंसल आउट हो जाना। 2/1 पी वटा क्यू हो गया तो प्रमेय संख्या होगी। 16 का रूट 4 हो गया, 4/1 ये भी पी वटा क्यू हो गया। इतने देखोगे रूट 5 नाल रूट 5 कैंसल आउट हो जूगा। ठीक है, अब बी ऑप्शन सॉरी -2 बचूगा क्योंकि रूट 3 कैंसल आउट हो जाना, -2 बचूगा। तो लास्ट वाले 2 बचूगा। ठीक है, क्योंकि रूट 5 ना रूट 5 कैंसल आउट हो जाना। 2/1 ये भी पी वटा क्यू की फॉर्म होगी। तो किहड़ी ऑप्शन सही बनती है कल्ली इरैशनल नंबर वास्ते? ए नंबर ऑप्शन। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2 कहिंदा 33/10 का दशमलव प्रसार किन्ने दशमलव स्थानों तो बाद शांत होगा। डेसीमल एक्सपेंशन ऑफ 33/10 विल टर्मीनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसीमल प्लेसिस। तो ये देखो जी 3.3 का आंसर आजूगा। ठीक है, तो डेसीमल तो बाद किन्ने अक्षर आए है? 2, सॉरी 1। ठीक है, 3 इहदा मतलब आंसर की बनेगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है जी, चलो प्रश्न नंबर 3 हेठ गया बच्चों किहड़ी जिस्त संख्या है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एवन नंबर। एवन नंबर होंदे जिहड़े ओह 2 ते पूरे पूरे वंडे जांदे आ। ठीक है, जिस्त संख्यावां जां तुसीं कह लो वी 2 दे गुण 2 दे मल्टीपल होंदे आ। ठीक है जी, 2 दे मल्टीपल आपां किवें लिखदे आ? 2 दे नाल कुछ गुणा करके, 2 दे नाल कुछ गुणा करना है समथिंग क्यू, तां 2Q आ जिहड़ा अपना इह एवन नंबर होऊगा जी। ठीक है, जिस्त संख्या ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 4 कहिंदा 6, 10, x0 ते 12 का माध्यमान 8 है तो x का मुल पता करो। देखो मीन आपां किवें पता करदे आ, जिन्नी संख्यावां सारियां नूं जोड़ दो पहलां तां 6 है 1 तां देखो, दूजी 10 आ गई, x आ गई, 0 आ गया, 12 आ गया, किन्ने दे वंडांगे इहनूं? जिन्नी संख्यावां 5 दे वंड दो, 5 संख्यावां बराबर 8 रखो जी क्योंकि 8 इहनां दा माध्यमान है। आ 5 तां इधर गुणा जा के 40 होगा। ठीक है, खब्बे पासे देख लो 10 ते 6 16, 16 ते 12 28। ठीक है, x+28। ठीक है, तो फिर x का मुल कितना आजूगा? 40 च 28 घटा दो 12। ऑप्शन नंबर सी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 5 5, 13, 9, 11, 7, 16, 8 की मध्यिका पता करनी है, मीडियन पता करना जी। ठीक है, सब तो पहले तो इन्हों वाधे क्रम चलाओ, वाधे क्रम चला लो या घटते क्रम चला लो। ठीक है, 5 आ गया देखो, उस तो बाद 7 आ जाएगा। ठीक है, फिर 9 आ गया, सॉरी पहला 8 आऊगा। ठीक है, फिर 9 आ गया जी। ठीक है, 5, 7, 8, 9 उस तो बाद आ जाएगा अपने को 11। ठीक है, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 16। देख लो जी संख्यावान पूरियां हो गई कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इतने देखो कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ठीक है जी, उस तो बाद आप करना है 3 संख्यावान इधरों छड़ दो, मध्यिका पता करनी है जमा विचाली संख्या। ठीक है, 3 इधरों छड़ दो तो विचाले कौन बचा? 9। ठीक है, 9 यदि मध्यिका है, मीडियन जिन्हों आप कह सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। ये सी वर्कशीट नंबर 1। हाँ जी, हुण असाइनमेंट नंबर 2 देखो। असाइनमेंट नंबर 2 का फस्ट क्वेश्चन की कह रहा है कि हेठ लिखे विचों किहड़ा शांत दशमलव है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इज़ अ टर्मीनेटिंग डेसीमल। ठीक है, तो यदा आंसर आऊगा जी 7/8। ठीक है, क्यों आऊगा वह भी सूँ दसदे हैं, नाल हिंट सूँ दिता होया। ठीक है, जेकर कहिंदा एक प्रमेय संख्या पी वटा क्यू इस तरह की है कि क्यू नूं 2 की पावर n ते 5 की पावर m के रूप में लिखा जा सकता है जिथे m ते n गैर ऋणात्मक पूर्ण संख्यावां हन, तो पी वटा क्यू का दशमलव विस्तार शांत होंदा है। ठीक है, देखो हुण 7/8 संख्या सी। ठीक है, अगर पी वटा क्यू देखिए, क्यू दा मुल कितना हो गया? 8 हो गया। 8 नूं आपां लिख सकते हैं
दो की पावर तीन, ठीक है, दो की पावर तीन इंटू पाँच की पावर जीरो लिख सकते हैं, ठीक है, तो यह हो गया टू की पावर एन फाइव की पावर एम की फॉर्म च हो गया, ठीक है। जे हर किसी संख्या का हर, ठीक है, पी वटा क्यू संख्या हर कौन है अठ, ठीक है, ये हर आपां दो या पाँच की पावर से लिख सकते हैं, ठीक है, तो उसका दशमलव प्रसार की हुंदा है, शांत हुंदा जी, ठीक है, तो सत्त वटा अठ है जिहड़ा आंसर आजूगा, ठीक है। दो ते पाँच तो बिना होर नहीं कोई होना चाहिए, ठीक है। चलो प्रश्न नंबर टू, जेकर दो संख्यावां का गुणनफल 300 है, कहिंदा उन्हां दा मम्मा सस्सा वावा 5 है, तो लल्ला सस्सा वावा की होएगा, ठीक है। ये रिजल्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट आ जिहड़ा लिखा होया इन्होंने कि एल सी एम मल्टीप्लाई एच सी एफ कादे बराबर हुंदा है, संख्यावां दी प्रोडक्ट दे बराबर हुंदा है, पर संख्यावां दो ही होनी चाहिए, दो ही संख्यावां होनी चाहिए, ठीक है। देखो हुण दो संख्यावां दा गुणनफल दित्ता होया, मतलब 300 आ गया, ठीक है जी। इधर की आऊगा एल सी एम ते एच सी एफ की गुणा होगी, ठीक है। एच सी एफ आपां नूं दित्ता होया, एल सी एम आपां पता करना लल्ला सस्सा वावा, ठीक है, तो पाँच इधर आ के वंडिया जाऊगा, आंसर किन्ना आजूगा जी, 300 नूं 5 नाल वंड दो, 60 आंसर आजूगा जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी आंसर है जी। प्रश्न नंबर तीन, हेठ लिखियां विच्चों केड़ी अभाज संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ प्राइम नंबर, प्राइम नंबर वो हुंदा जिहड़ा जांदा आपदे आपदे पाड़े वंडिया जाए जां एक ते वंडिया जाए, होर किसी संख्या ते नहीं वंडिया जाना चाहिए, ठीक है। इत्थे आंसर आऊगा जी 223, ठीक है, क्योंकि 221 है जिहड़ा वो 11 ते वंडिया जांदा, ठीक है, 117 जिहड़ा 13 ते वंडिया जांदा, ठीक है जी, ते जिहड़ा आ है 1001 ये भी 11 ते वंडिया जांदा, ठीक है। तो वंडी कि संख्या नहीं जाती, 223 है जी वो नहीं वंडी जाती किसी पर, ठीक है, जो 223 से वंडी जाऊगी जो एक वंडी जाऊगी, ठीक है, यदा मतलब हो गई है प्राइम नंबर है। हाँ जी, पहलियाँ पांच टांग संख्यावान का मध मान पता करना है, पहलियाँ पांच टांग संख्यावान देख लो कि आनगियाँ, पहला तो 1, 3, 5, 7, 9 हो गई जी, 5 इन का मध मान पता करना, पहला तेने जोड़ लो, 3 ते 1 4 ते 5 9 ते 7 16 ते 9 25 किनिया संख्यावान सी, 5, तो मध मान कि आ गया था 5, ऑप्शन नंबर बी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 5, हेठ लिखे प्रेक्षणा चढ़ते क्रम तरतीब किया गया है, जेकर अंकड़िया की मध्यिका 23 हो एक्स का मतलब पता करना, असेंडिंग ऑर्डर चलाए हुए है, ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर के, ठीक है, तो जो असेंडिंग ऑर्डर चलाए पे देख लो, पहला तो संख्यावान कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 है जी, ठीक है, 10 संख्यावान ने, ठीक है, 4 इधरों छड़ दो, 4 संख्यावान इधरों छड़ दो, 4 ही इधरों छड़ दो, विचाले बचिया 2 संख्यावान, ठीक है, 22 ते 1, इन्होंने जोड़ लो, 2 ते वंड दो, ठीक है, ये की आऊगा इन्हों का मीडियन आऊगा, पर मीडियन आपने दिता हुआ किन्ना 23, तो एक्स का मुल किमें कढ़ांगे, 2 नूं इधर गुणा कर दो 46 होजूगा, एक्स प्लस वाई बराबर 46, फिर एक्स का मुल किन्ना आऊगा, 46 दे विचों 22 है जिहड़ा घटा दो जी, 24 आंसर आ गया जी, ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा इत्थे बिल्कुल सही आंसर बन रहा 24। ये सी थोड़ी असाइनमेंट नंबर 2। हाँ जी, हुण आपां गल करते हैं असाइनमेंट नंबर 3 की। प्रश्न नंबर 1 देखो, जे किसी संख्या नूं कहिंदा 3 नाल वंडिया जांदा है तां किहड़ा बाकी नहीं हो सकता, ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन लैमा नाल रिलेटेड क्वेश्चन है, ठीक है। जे किसी संख्या नूं आपां 3 नाल वंडदे हां, पहली गल तां बाकी है जिहड़ा वह 3 तों वड्डा नहीं हो सकता, ठीक है, ना ही वह 3 हो सकता, ठीक है जी, 3 नहीं हो सकता, तो इन्होंने क्या होया भी आ 3 ऑप्शन दे विच दे रखा, ठीक है, 3 किवें होजूगा, 3 ते कोई संख्या नूं वंड रहे हां आपां, तो 3 तां बाकी आ नहीं सकता, 3 तों जां तां छोटी संख्या होगी, ठीक है, 0 तों वड्डी जां बराबर आ सकदी है, कि बाकी जे 3 नाल वंड रहे हैं, ठीक है, तो 3 दे बराबर कदे भी बाकी नहीं आऊगा, ऑप्शन नंबर डी है जिहड़ी ये आंसर है। हाँ जी, प्रश्न नंबर 2, संख्या 3π1- संख्या, तुहानू पता पाई है जिहड़ी एक अप्रमेय संख्या जी, अप्रमेय संख्या, ठीक है, जे अप्रमेय संख्या नूं 3 नाल गुणा कर देंगे कोई फर्क नहीं पैंदा, रहूगी ये अप्रमेय जी, ऑप्शन नंबर सी है जिहड़ा वह सही आंसर है जी। हाँ जी, प्रश्न नंबर 3, जेकर कहिंदा एच सी एफ 6 ते 20 का 2 हो, इत्थे पंजाबी च लिखा नहीं होया, इंग्लिश लिखा होया, 6 ते 20 का एच सी एफ 2 हो, एल सी एम पता करो, ये रिजल्ट आपां पहलां भी यूज़ करके आए हैं, एल सी एम ते एच सी एफ की प्रोडक्ट है जिहड़ी वह बराबर हुंदी है संख्यावां दी गुणा दे,
ठीक है, संख्यावां केड़ियां भी ते छी है, ठीक है, इन्हां दे गुणा रखो इधर, इधर की रखांगे आपां एच सी एफ इंटू एल सी एम, एल सी एम आपां पता करना है, ठीक है जी। चलो आ दो इधर आ गए वंड दो, कितना रह जूगा, छे गुणा दस साठ आंसर आ गया जी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। हाँ जी, प्रश्न नंबर फोर, किसी गेंदबाज द्वारा दस क्रिकेट मैचों में लाए गए विकटों की संख्या हेठ अनुसार है, इन्ह का बॉल्क पता करना है जी, ठीक है। बॉल्क वो होंगे जेडे जी संख्या ज़्यादा बार रिपीट होंगी है, ज़्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या में बॉल्क कह दें, ठीक है। इतने देखो ज़्यादा बार संख्या कि रिपीट हो रही है, मेरे अकॉर्डिंग तो तीन ही रिपीट हो रहा है, तीन किन्ने बार आया हो, इतने चार बार ही आया, ठीक है जी, एक दो तीन चार। हाँ जी, और कोई भी संख्या इस तो ज़्यादा बार रिपीट नहीं हो रही, जो चार देखिए दो बार, ठीक है, बस तीन आंसर आऊगा जी, ऑप्शन नंबर बी, ये बॉल्क है जी। प्रश्न नंबर फाइव, चित्र विच चक्कर दर्शाया गया परीक्षण की दर्शा रहा है, द विगन इन द गिवन फिगर वट डज द इन सर्कल्ड ऑब्जरवेशन रीप्रजेंट, ये रीप्रजेंट करती है जी मीडियन, ठीक है, क्योंकि देखो घटते क्रम च लाया हुआ है तो विचालड़ी चीज़ है जी वो चक रहे हैं, विचालड़ी चीज़ की होंगी है मीडियन, ठीक है, ये आप हमने ही कढ़िया सी भी पास्या तो पहला तो वाधे कर्म चलाओ या घटते कर्म चलाओ, उस तो बाद आसे पास वाली संख्यावान चक्की है वो विचाले जी बच गई, वह बच गई जी संख्या वो होंगी है मीडियन। ये वीडियो वधिया लगी सानू लाइक जरूर कर दो, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल सबसक्राइब करना नहीं भुलना, थैंक यू वेरी मच।